दोस्तों जय श्री राम। आज के दिन तो बस श्री राम का नाम ही गूंजेगा, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। आज स्थापना दिवस है हमारे रामलला की, जो लंबे समय के बाद अपना वनवास काट कर आ रहे हैं इस घोर कलयुग में, जो बिल्कुल भी उनके नाम नहीं होना चाहिए था। शुरुआत करते हैं भाई साहब, बिगेस्ट क्लैश, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान और देवारा। भाई मैदान एक और एंट्री हो चुकी है इस क्लैश में। पहले तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ और देवारा के बीच क्लैश देखने को मिल रहा था, मतलब नॉर्थ वर्सेस साउथ, लेकिन अब प्रतिद्वंदियों ने अपना नाम दर्ज कर लिया है, जो अब देवारा यानी जूनियर NTR पे थोड़ा सा नंबर गेंस में भारी होते नजर आए। तो अभी सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि भाई साहब ये जो क्लैश चल रहा है इसमें कौन हिट होने वाला है, किसके नाम भाई ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है, और किसको कहाँ कितना भाव मिलने वाला है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और कौन सी मूवी कहाँ रिलीज होगी, मतलब कब रिलीज होने वाली है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कॉमेंट बॉक्स पर जय श्री राम जरूर लिख के जाना, क्योंकि भाई आज का दिन बस यही नाम गूंजना चाहिए और गूंजना भी चाहिए। शुरुआत करते हैं भाई साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसके बाद अजय देवगन की मैदान। भाई इन्होंने भी दर्ज कर ली एंट्री कि भाई हम भी आ रहे हैं कब, ईद पर ईदी देने के लिए। अभी तक सिर्फ बड़े मियाँ छोटे मियाँ और देवारा ही थे जो ईद पर ईदी देने को आ रहे थे, जो एक बार के लिए बिल्कुल बैलेंसिंग लग रहा था कि चलो ठीक है, नॉर्थ में बड़े मियाँ छोटे मियाँ को देख लेंगे, हिंदी ऑडियंस जो प्रीफ्रेंस देगी कि ठीक है कहीं ना कहीं हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ को देख लेंगे, उसके बाद हम देवारा को देख लेंगे। लेकिन भाई नॉर्थ में यानी हिंदी बेल्ट में अब टफ होने वाला है, लोगों को चॉइस में एक और ऐड करना पड़ेगा कि यार अजय देवगन जो फाइनेस्ट क्रिएशन लेके आते हैं, जो हर बार प्रूव करते आए हैं, जब भी ये मूवी लेके आते हैं कंटेंट लेके आते हैं सुपर एंड फैंटास्टिक एंड फार लेके आते हैं, चाहे दृश्यम होगी, चाहे दृश्यम 2 होगी, चाहे पिछले साल की भोला कह लो, भोला जो रीमेक थी, बावजूद इसके भाई लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो मैदान भाई वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स नाम ही मैदान है, तो भाई उसको तो देखेंगे ही देखेंगे। तो यहाँ पर भाई अब देवारा के लिए यानी जूनियर NTR के लिए नॉर्थ बेल्ट में यानी हिंदी बेल्ट में अब अपनी सीट को कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान भाई ये दोनों मूवी नॉर्थ में फाड़ के जाएंगी, डेफिनेटली फाड़ के जाएंगी, क्योंकि ये जो दो नाम जुड़ेंगे इन मूवी के साथ, अक्षय कुमार एंड मैदान के साथ अजय देवगन, तो हो सकता है हिंदी ऑडियंस भाई पहले प्रिफ्रेंस इन्हीं को देने वाली है, देवारा को भी देगी। यस जूनियर NTR का नाम भी जबरदस्त चमकता है और साउथ की मूवीज का डंका तो बजता ही है हिंदी बेल्ट में, लेकिन भाई जो हिसाब का पहले प्रीफ्रेंस इसे मिल सकता था ईद पर, लेकिन अब वो प्रीफ्रेंस नहीं मिलने वाला होगा। देवारा को भाई देखा जा रहा है कि 9 अप्रैल के आसपास इसे रिलीज कर दिया गया, वहीं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी 8 या 9 या फिर 10 अप्रैल के आसपास रिलीज करने की बात चल रही है। लेकिन एक बात ये है कि भाई अभी ये जो क्लियर नहीं हुआ है, मैदान भाई 5 अप्रैल के आसपास रिलीज करने की सोच रहे हैं बट फाइनलाइज नहीं हुआ है, मेकर्स ने अभी फाइनलाइज नहीं करा है, लेकिन हो ना हो भाई अप्रैल में ही मैदान को लेके आना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अजय देवगन की 2 मूवीज आनी है इस बार, सिंघम अगेन जो भाई आनी ही आनी है डेफिनेटली, जो रोहित शेट्टी की बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी है, बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट क्रिएशन है, दैट्स वाई कि भाई मैदान को अप्रैल के आसपास तो आनी पड़ेगी, क्योंकि सिंघम के लिए 2 या 3 महीने बाद वो भी फट जाएगी। तो भाई किसके खाते में कितना कलेक्शन जाने वाला है, क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ फाड़ जाएगी या फिर मैदान या फिर देवार, भाई देखो तीनों मूवी फाड़ के जाएंगी डेफिनेटली, लेकिन भाई खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान ये तो अपना नॉर्थ में कलेक्शन करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से सिंगल में कलेक्शन कर सकती थी वो कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लाइक सालार और डंकी के साथ हम जो देख पाए, डंकी भी अपने कंटेंट की माहिर थी, सालार भी अपने कंटेंट की माहिर थी, लेकिन भाई जनता को दोनों मूवी देखनी है, तो दोनों मूवी जो 1000 करोड़ का पोटेंशियल लगती थी या जो प्रॉमिस कर रही थी वो नहीं कर पाई हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी भाई। और अगर भाई अगर हो भी जाता ये तीनों क्लास तो कौन बंदा कौन सी मूवी पहले देखेगा, क्या देवारा इन दोनों के छक्के छुड़ा देगी नॉर्थ इंडिया में, या फिर देवारा को इस बार यानी साउथ को इस बार मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ नॉर्थ में आने ही नहीं देगी, या हिंदी बेल्ट में इसका कोई कब्जा ही नहीं रहेगा, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी आज 22 जनवरी है, जय श्री राम का नारा तो गूंजेगा ही गूंजेगा, वो भी लगा के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय।